दोस्तों बात करते हैं आज जस्टिन पोरी और माइकल चैनलर के बारे में जो कि काफ़ी दिनों से एक दूसरे से सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ में बुरा भला कह रहे हैं अगर ये वर्ड में यूज़ कर सकता हूँ तो सो so, पोरिए ने कहा एक इंटरव्यू में कि जिस हिसाब से जो फाइटिंग स्टाइल है माइकल चैनलर का अगर वो मुझसे फ़ाइट करें या फाइट करें अगेंस्ट कॉनर मग्रेकर तो उनके लिए ये बहुत बुरा होगा बिकॉज़ हर फाइट में लगभग हर फाइट में चैंडलर लॉकडाउन होते हैं पंच खाते हैं और अगर वो एक बेहतरीन स्ट्राइकर जो कि वो ख़ुद को और कह रहे हैं कि कॉर्नर हैं शायद वो अच्छा नहीं होगा होमक ए चैनलर न चैनलर ने जब ये सुना तो उन्होंने ये वीडियो बनाई जहाँ पे बेसिकली वो फ़ोन लेते हैं और कहते हैं कि पोरिए मुझे पता है तुमने क्या कहा और फिर इन्होंने जस्ट देखिए क्या कहा उन्होंने एक बार बहुत ही यूनिक स्टाइल टू तो रिस्पॉन्ड फ़ोन लिया और एक यहाँ पे शायद ये आई एम नॉट नॉटर ये क्या डब्बा है वहाँ पे रख के फ़ोन को बंद कर दिया और फिर कुछ लाइंस कहीं जो कि बहुत मुश्किल है सुनना बट लकीली हमारे पास यू you नो know, उसका कंटेंट यहाँ पे है तो वो कहते हैं कि आई हर्ड वॉट यू सेड चैंडलर नो आई हर्ड वॉट यू सेड मैंने कि पोरिए नो बडी गिव्स ए रिप अबाउट योर वन अब डोंट मेक सेंस लॉस योर शाइन सो यू आर ट्राइंग टू स्टील एवरीबडी एल्स शाइन बैक टू एम एम मैथ जेप इट लेकिन इन शॉर्ट वो कह रहे हैं कि नो वन केयर्स कि तुम क्या कह रहे हो पहली बात तो ये और जब तुम किसी और की शाइन जब कोई और कहीं अच्छा टाइम चल रहा है तुम उसको यू you नो know, उसका वो जो शाइन है जो अच्छा टाइम है उसको तुम तुम उसे बुरी नज़र डाल रहे हो इन शॉर्ट अगर मैं ऐसे कह सकता हूँ तो नो ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ये दोनों फाइटर चैंडलर और पोरी इनकी आपस में इस तरीके से यू नो कमेंट्स आई हैं जब पहली बार आए थे यू में जब नए नए थे चैंडलर तो उन्होंने ऑब्वियसली वो बहुत खुश थे एक्साइटेड थे कि वो बेलाटोर से जो कि शायद नंबर टू टायर कंपनी है वो नंबर वन कंपनी में आए हैं यू में आए हैं और ऑब्वियसली सेट कि मैं रेडी हूँ फैट करने के लिए चाहे वो हबीब हो चाहे वो गेची हो कॉर्नर हो या पोरिए हो बट उसके आसपास आई थिंक सभी फाइड ने रिस्पॉन्ड किया था सिर्फ पोरिए को को छोड़ के डस्टिन ने जब किसी इंटरव्यू में किसी ने पूछा कि वॉट यू थिंक अबाउट चैंडलर तो उन्होंने कहा कि यू नो ही इज़ नो बड़ी वो नए नए आए हैंज टू प्रूव तो ही जस्ट इग्नोर्ड हिम और जब अब लास्ट फाइट जीते थे चैंडलर उसके बाद चैंडन ने, ने इग्नोर कर दिया पोरिए को उन्होंने किया कॉल आउट कॉर्नर को ऑब्वियसली एंड केची को और ओलिवेरा uh, के विनर को बट उन्होंने नाम नहीं लिया पोरिए का ना पोरिए इस बात से ऑब्वियसली आ, शायद थोड़े से उदास हो गए या गए जो भी है उन्होंने किया जब इंटरव्यू दिया आ, तो उन्होंने कहा कि माइकल चैनल ने मेरा नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो जानते हैं शायद कि मैं एक अच्छा स्ट्राइकर हूँ और अगर वो चिनी हैं वो बार बार शॉट खाते हैं चिन पे तो वो शायद गिर जाएंगे और मे बी वो हार जाएंगे तो वो डरते हैं मुझसे नईडली इस टाइम पे ये बात सच है कि जो चैनलर हैं इज़ रेड हॉट हालांकि यू में बहुत जल्दी लोगों की किस्मत बदल जाती है उनकी जो लास्ट फाइट हुई थी अगेंस्ट टोनी फर्गसन एक बेहतरीन फाइट नॉकआउट और उसके बाद जो अगर आप एक फ़ाइट जीतते हैं यू में वाया सबमिशन वाया यू नो इवन डिसीजन तो यू नो ओके ओके बट आप जीतते हैं वाया नॉकआउट वो भी टोनी फर्गसन को नॉकआउट करना पहली बार किसी ने फिनिश किया है टोनी फर्गसन को एक बहुत बड़ी बात थी तो ऑब्वियसली इस टाइम पे जो वो सक्सेस है उसको राइड कर रहे हैं अभी भी उस यू you नो know, उस फील गुड फीलिंग में चल रहे हैं यहाँ पे चैंडलर और पोरिया इस टाइम पे एक बहुत बड़ी लॉस से अपने बाहर निकल रहे हैं अगेंस्ट ऑलोवेरा उनके लिए शायद ये बेटर फ़ाइट होगी फ्रेंकली अगर वो कर रहे हैं वेट की कोई एक और बड़ी फ़ाइट मिले नज़ फाइट आई एम नॉट शोर फाइट वो होगी अब uh, कोई भी कम्यूनिटन में भी उनके लिए शायद बहुत टफ़ फाइट होगी फ्रेंकली क्योंकि साइज़ एडवान्टेज रेस्लिंग वो सब है तो अगर मैं उनका ऑप्शन देखूँ एंड कॉर्नर डेफिनेटली ये जो नाम है ये लिंक्ड है इन दोनों फाइटर से खासकर शायद मोर विद फोर ये क्योंकि जो चौथी फाइट है वो शायद कभी ना कभी होगी या मे बी नहीं होगी बट फॉर चैंडलर लर यहाँ पर वेट करना कि वापस आए कॉर्नर और कल जो इंटरव्यू आया था कॉर्नर का उसमें वो कह रहे थे कि अभी भी उन्होंने स्टार्ट नहीं की है फुल एम ट्रेनिंग और हम दोस्तों उसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अभी वो जस्ट वो सिर्फ बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं ब्रो लेग किस यूज़ नहीं कर रहे वो ग्रैपलिंग नहीं कर रहे वो रेसलिंग नहीं कर रहे जस्ट वो फोकस कर रहे हैं अपनी बॉक्सिंग पे और वेट ट्रेनिंग पे सो आई डोंट थिंक इस साल के एंड तक भी वापस आएंगे कॉर्नर बहुत कम चांस हैं सो so, ये जो फाइट दोस्तों हैं इट मेक सेंस यहाँ पे फाइट करना चैनल अगेंस्ट पोरीए और उनको हराना आई मीन ये बहुत बड़ी बात होगी फ्रेंकली और जो उनकी विन्स हुई हैं अब तक अगेंस्ट ऑबियसली डैन हुकर एक अच्छी विन थी बट फ्रेंकली डैन हुकर नहीं थे आसपास बेल्ट के पोरिए डेफिनेटली अभी भी हार के आए हैं बेल्ट के लिए जो फाइट थे वो हार के आए हैं उनको हराने की बहुत बड़ी बात होगी फॉर पोरिए टू तो बीट चैंडलर जो कि इस टैम पे कैसे रेड हॉट है अगेन एक बहुत ही अच्छी फाइट है और फ्रेंकली उन्हें बहुत आगे पुश कर सकती है फिर से एक बार बेल्ट के आसपास बहुत कम लोगों को चांस मिलता है फाइट करने का बेल्ट के लिए तीन बार बट क्योंकि ये एक ऐसी डिवीज़न है जहाँ पे सारे फाइटर्स बहुत आसपास हैं यू नो स्किल सेट में और आई ऑलवेज से कि इस डिवीजन में एक अच्छे दिन एक बुरे दिन कोई भी फाइटर किसी को कभी भी हरा सकता है और यू नेवर नो सो आई थिंक ये दोस्तों फाइटर जो कि शायद सेंस कर रही है बजाय नेट डिया फाइट फॉर uh, पोरिए को भी फाइट फॉर पोरिए और लाइक ए सैट कॉर्नर दोस्तों नहीं आ रहे हैं तो अगर वेट कर रहे हैं यहाँ पर चैंडलर कॉर्नर का तो आई थिंक शायद वो बहुत टाइम लगेगा उसमें दोस्तों एनी आई थिंक ये फाइट है शायद शायद, शायद सेंस करती है डू यू थिंक क्या ये बुक होनी चाहिए मी इन कमेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट टाइम थैंक यू